हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आज आपकी आंखें खोल दूंगा और आज आपको बताऊंगा कई सारी ऐसी चीजें जिससे कि आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि जब आपके सब्सक्राइबर 4000 हो जाते हैं, 5000 हो जाते हैं, 10000 हो जाते हैं, 20000 हो जाते हैं, पर कई सारे यूट्यूबर की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर मेरे सब्सक्राइबर तो ज्यादा है पर मेरे जो व्यूज है वो ओनली 10, 12, 100 या 200 आ रहे हैं। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे व्यूज बढ़ जाए? पर वो सब्सक्राइबर की दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइबर मेरे 10-20 हजार ऑलरेडी है, बट मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे। कोई ऐसा तरीका बता दो जो मेरे जो सब्सक्राइबर डीएक्टिवेट है वो एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। बट उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है तो कान खोल के और दिमाग खोल के दोनों बात आपको समझनी है। एक्चुअली में होता क्या है कि किसी को व्यूज चाहिए होते हैं तो किसी को सब्सक्राइबर चाहिए होता है। जब किसी बंदे के चैनल पे व्यूज आ रहे हैं पर उसको सब्सक्राइबर की जरूरत होती है, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे होते हैं। पर कई सारे बंदे ऐसे होते हैं कि मेरे को सब्सक्राइबर की दिक्कत नहीं है, मेरे पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, बट मेरे पास व्यूज की प्रॉब्लम है कि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो डीएक्टिवेट हो गए हैं, उनको मैं एक्टिवेट कैसे करूं? आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपके यूट्यूब चैनल पे जितने भी डीएक्टिवेट होंगे वो उम्मीद करता हूं कि 40-50% एक्टिव हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आपका चैनल है टैग फील्ड से और आपके सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं तो आपके व्यूज कम आते हैं, तो ये चलता है। अगर आपके 20000 है, 30000 है और आपके चैनल पे 1-2 हजार व्यूज आ रहे हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। पर कहने का मतलब ये है कि आपके सब्सक्राइबर है 20000 पर आपके चैनल पे 200 या 300 व्यूज आ रहे हैं, उस केस के लिए बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके सब्सक्राइबर है 1 लाख और आपके चैनल पे व्यूज कितने आ रहे हैं, मतलब 1000 आ रहे हैं या फिर 500 आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे समझाऊं? यहाँ पे मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूं कि इस तरह के प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं कि आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा है पर नंबर ऑफ व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। ध्यान से सुनना जो आपको बता रहा हूं। इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो दो तरीके से आती है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि वो बंदा फेस वीडियो नहीं बनाता, वो ओनली एप्स रिव्यू करता है और कभी कभी वीडियो डालता है, तो ऐसे में उसके जो सब्सक्राइबर है वो फेस से अटैचमेंट नहीं हो पाते। जो फीलिंग होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होते हैं, इसको बोलते हैं 1-to-1 मैपिंग जो होती है, वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे में आपके जो सब्सक्राइबर है वो आपको नहीं देखते, वो सिर्फ आपकी वॉइस सुनते हैं और वॉइस सुनने के बाद में आपकी, अगर आपकी वीडियो में है दम, आपकी चैनल में है दम, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। और आपने गलती से भी 1-2 महीने का अगर गैप ले लिया तो आपके जो सब्सक्राइबर है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। पर यहाँ पे बात करते हैं जो बंदा फेस कैम वीडियो नहीं बनाता और वो 2-3 महीने के बाद रिकवर करता है, तो ऐसे में उसका जो चैनल के एक्सर सब्सक्राइबर होता है वो डीएक्टिवेट रहता है। अब दोनों केसेस में आपको क्या करना चाहिए, क्या ऐसा फॉर्मूला है वो दोनों वापस आ सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कुछ अपने चैनल पे अलग तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए। कहने का मतलब है जैसे आप कुछ गिवेस कर सकते हो, जैसे आप कुछ फेस लाइव कर सकते हो, और फेस लाइव स्ट्रीम में जो भी बंदा आपसे जुड़े उसका नाम बड़ा प्यार से लीजिए, उसको बोलिए अरे भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहां से रहने वाले हो, आप बहुत अच्छे हो, मतलब कई सारी ऐसी ट्रिक्स होती है उनको फॉलो करिए। और साथ में कुछ आप 1-2 हजार रुपए का कुछ गिफ्ट, कुछ ट्राइपॉड, कुछ माइक्स या कुछ इस तरह की चीज गिवे करिए। इससे क्या होता है, जो आपके पुराने सब्सक्राइबर है वो आपसे अटैचमेंट में आ जाता है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, यही एक तरीका है जो आपके डीएक्टिवेट सब्सक्राइबर है उनको एक्टिवेट करने के लिए। और अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी और क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी वीडियो में थोड़ी सी नॉलेजेबल वीडियो आप डालने लग गए, तो आपके जो सब्सक्राइबर है वो पहले से ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। पर ये तभी होगा जब आप अपने चैनल पे कंटिन्यूअसली काम करोगे। एक्चुअली मैं ये वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बना रहा था, दूसरा वीडियो बना रहा था जो यूट्यूब एल्गोरिदम के ऊपर थी, वो वीडियो मैंने पेंडिंग में डाल दी है, पर ये वीडियो बनाना जरूरी
जरूरी था, क्योंकि कई सारे बंदों की प्रॉब्लम होती है कि सब्सक्राइबर ज्यादा है व्यूज नहीं आ रहे। तो आप अपने चैनल पे एक्टिविटी करिए और थोड़ा माइंड गेम खेलिए। एक्चुअली में जो दिल से काम करता है ना यूट्यूब पे, वो सक्सेस नहीं होता, आपको माइंड से चलना होगा। आपको पता है कि यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होगा, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपके साथ कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में काम करना होगा और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए। आप कुछ ऐसा कंटेंट दीजिए जो लोग बाग आपकी तरफ आए। और मैं आपको बता दूं कि आप जो ना दूसरे की वीडियो ज्यादा देखिए कि कैसे इसकी लैंग्वेज है, कैसे बोलता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है। एक यूट्यूबर को सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे आप कोई भी यूट्यूबर अगर वो पुराने टॉपिक पे वीडियो बना रहा है, तो ये चीज मत देखो कि भाई ये तो मेरे को आती है, ये देखो कि इस बंदे ने वीडियो एडिटिंग कैसे करी है, इसका बोलने का तरीका है, स्टार्टिंग में इसने किस वे में बात करी है और लास्ट में क्या बता रहा है। ये चीज आपको अगर एक यूट्यूबर है तभी ये चीज आपके लिए वैल्यूबल है, ये देखना आपके लिए जरूरी है। यूट्यूब पे बंदा सक्सेस वही हो सकता है जो आपने अपनी वीडियो के साथ दूसरे से कंपैरिजन कर लिया। फाइनली यह है कि आपको एक्टिविटी करनी है, कुछ गिवे करने हैं, कुछ लाइव स्ट्रीम करनी है, क्योंकि फेस वैल्यू को आपको बढ़ाना है। उम्मीद करूंगा आपके सब्सक्राइबर जो है ना पहले जितने भी डीएक्टिवेट है उससे ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि 101% आ जाएंगे, पर जो है पहले से काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, कुछ पूछना है, कमेंट में मेरे को जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किए थे तभी मैंने ये वीडियो बनाई। तो आप कमेंट जरूर करना और यहां पे जाते जाते कर दिए लाइक। दोस्तों मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।